ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश के सबो शासकीय कार्यालय में अब छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र लगाना जरूरी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ए बारे में निर्देश जारी कर दे है। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक घाव उपयोग में अवैया प्लास्टिक पर रोक आज ले पूरा देश में लागू हो गए है। और आज भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संगे संग छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हा रथ यात्रा में लोगन ला शुभकामना दीन। अब समाचार विस्तार ले। संसद के मानसून सत्र ये महीना के 18 तारीख ले शुरू हो ही जौनहा 12 अगस्त तक चलही। लोकसभा सचिवालय के अनुसार ये सत्र में कुल 18 बैठक हो ही। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति चुनाव हो ही। उपराष्ट्रपति चुनाव 6 अगस्त के हो ही। ये दोनों संवैधानिक पद पर मत के गिनती घलो मानसून सत्र के दौरान हो ही। नवा राष्ट्रपति ला ये महीना के 25 तारीख के संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में पद के शपथ दिवाए जाही। नवा उपराष्ट्रपति 11 अगस्त के शपथ लेही। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक घाव उपयोग में अवैया प्लास्टिक पर रोक आज ले लागू हो गए है। आज ले पूरा देश में सिंगल यूज प्लास्टिक जिन इसके उत्पादन आयात भंडारण वितरण बिक्री और उपयोग में पाबंदी रही। प्रतिबंध के दायरा में जौन चीज ला शामिल करे गए है ओमा प्लास्टिक के तिल्ली के कान के मैल निकालने वाला बर्ड्स कैंडी स्टिक्स आइसक्रीम स्टिक्स थर्माकोल प्लास्टिक बर्तन शामिल है। प्रदेश के सबो शासकीय कार्यालय में छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र लगाना जरूरी हो ही। सामान्य प्रशासन विभाग ए बारे में निर्देश जारी कर दे है। एक संग सबो कार्यक्रम के शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के पूजा पाठ के संग करे के निर्देश दीन है। सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव संजय अग्रवाल इस संबंध में सबो विभाग अध्यक्ष कमिश्नर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ला चिट्ठी लिखी है। एमा कहे गये है कि छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र सबो शासकीय कार्यालय कार्यक्रम शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान पंचायत स्थानीय निकाय के भवन में लगाए जाए। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा रथ यात्रा में लोगन ला शुभकामना दीन है। एति छत्तीसगढ़ में घलो रथ यात्रा के पर्व ला बड़ उत्साह के संग मनाए जावत है। ए मौका में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा ला रथ में बैठा के यात्रा निकालेगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज रायपुर के गायत्री नगर के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करके देश और प्रदेशवासी मन के सुख समृद्धि के कामना करें। राज्यपाल महाआरती में शामिल होइन और रथ खींच के यात्रा के शुरुआत करें। ए मौका में विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत और सांसद ज्योत्सना महंत संग बड़ संख्या में श्रद्धालु मन मौजूद रहीन। उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा रायपुर के गायत्री नगर के जगन्नाथ मंदिर में छेरा पहरा के रसम पूरा करके सोना के झाड़ू ले सफाई करके रथ यात्रा के शुरुआत करें। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। ए मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा देश और प्रदेश के सबो डॉक्टर मनला बधाई दीन है। मुख्यमंत्री हा आज रायपुर के देवेंद्र नगर के नारायणा हॉस्पिटल में मेगा आर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जरी के संग 3 दिन के स्पाइन और आर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस के शुरूआत करें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामला में सरलग बढ़ोतरी होवत है। काली प्रदेश में 13,384 सैंपल के जांच करेगी जेमा 167 लोगन कोरोना संक्रमित पाएगी। रायपुर जिला में सबले ज्यादा 55 दुर्ग में 33 और बिलासपुर बेमेतरा में 12-12 मरीज पाएगी। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीज की संख्या बढ़ के 933 पहुंच गए हवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव रसमड़ा रेलखंड के बीच 3 जुलाई के बिहनिया 10 बजे ले 6 जुलाई के बिहनिया 10 बजे तक इंटरलॉकिंग के काम करे जाही। एक सेती ये रद्दा में चलैया कोनो कोनो गाड़ी के अवई जवैला रद्द कर देगे है। एमा दुर्ग गोंदिया दुर्ग स्पेशल गोंदिया इतवारी गोंदिया मेमू रायगढ़ गोंदिया रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस और गेवरा रोड इतवारी एक्सप्रेस इतवारी बिलासपुर एक्सप्रेस और बिलासपुर इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द रही। उहें टाटा नगर इतवारी टाटा नगर सिकंदराबाद रायपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस पुरी सूरत पुरी एक्सप्रेस और तिरुनेलवेली विलासपुर तिरुनेलवेली एक्सप्रेस के घलो अवई जवई रद्द कर देगी है। एकर अलावा बरौनी ले चलैया बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस ला दुर्ग स्टेशन में ही रोके जाही। उहें गोंदिया ले चलैया गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस गोंदिया के जगह दुर्ग ले चलही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता।
आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। आओ अब आगु बढ़बो बांचे समाचार कोती। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव में राज्य के 28 जिला में 745 पद में उपनिर्वाचन के सारणीकरण और परिणाम के घोषणा के संग संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में लागू आदर्श आचार संहिता सिरागेस। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह उपचुनाव ला शांतिपूर्ण ढंग ले कराये में सबो अधिकारी कर्मचारी और मतदाता मन के आभार जतईन है। खबर के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग डहर ले 28 ठन जिला में पंच के 631, सरपंच के 108 और जनपद सदस्य के 6 पद पर उप निर्वाचन पर प्रक्रिया करेगी। इमले 3 जनपद सदस्य, 22 सरपंच और 406 पंच निर्विरोध चुनेगी। एकर बाद 21 ठन जिला में पंच के 52, सरपंच के 62 और जनपद पंचायत सदस्य के 3 ठन पद पर 28 जून के मतदान होगी। सुकमा जिला के मनकापाल में पुलिस संग हुई मुठभेड़ में एक जन माओवादी मारे गये, जेखर शवला बरामद कर ले गये है। एकर ऊपर 5 लाख रूपया के इनाम रहेस। मिले जानकारी के अनुसार आज बिहनिया DRG के टीम सर्चिंग में निकले रहेस। इसी दौरान गादीराज थाना क्षेत्र के बोरापारा के जंगल में माओवादी मन संग पुलिस के मुठभेड़ हो गये। पुलिस के जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी मन भाग गिन। मौका के तलाशी में माओवादी के शवला बरामद करेगी, जेखर पहचान डिवीजन के मलांगीर एरिया कमेटी सदस्य के रूप में हुए है। वहीं बस्तर जिला के बास्तानार काकलूर रद्दा में जांच के दौरान पुलिस ने 9 जन संदिग्ध लोगन ला गिरफ्तार करे है। इमाले 5 आरोपी विजापुर जांगला क्षेत्र के माओवादी मन के सक्रिय सहयोगी बताए जात हवे। आरोपी मन के तीले बूस्टर, 13 नग डेटोनेटर, 2 बंडल कार्डेक्स वायर, 1 चार पहिया वाहन और 1 दो पहिया वाहन बरामद करे गये है। राजनांदगांव जिला में हुई सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र के मौत हो गई। पुलिस के अनुसार खैरागढ़ विकास खंड के प्रकाशपुर निवासी पिता पुत्र पाछू रतिहा नागपुर महाराष्ट्र ले अपन गांव लहुटत रहीन। इसी दौरान गुमानपुर के तीर अज्ञात वाहन के चपेट में आये ले उनखर मन के मौत हो गई। ओती जांजगीर चांपा जिला के भद्रा गांव में दुपहिया गाड़ी के भिड़ंत में स्कूटी में बैठे एक जन नोनी के मौत हो गये और फटफटी में बैठे 2 जन लोगन गंभीर रूप ले घायल हो गये हैं, जौन मनला बिलासपुर अस्पताल भेजे गये हवे। नीति आयोग आकांक्षी जिला राजनांदगांव ला महिला सशक्तिकरण के दिशा में करे जावत सुघर कामबर अग्रणी जिला में शामिल करे है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय डहरले होवैया बैठका में राजनांदगांव कलेक्टर ला बुलाये गये है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महिला तथा बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया जिला प्रशासन ला एकर बर बधाई दीन है। अब थोरकुन समाचार सारमा। कांकेर जिला पंचायत के CEO सुमित अग्रवाल काम में लापरवाही बरते में कोयली बेड़ा विकास खंड के 4 ग्राम पंचायत के सचिव मनला निलंबित कर दिन है। जसपुर जिला के दुलदुला विकास खंड में हाथी के हमला ले एक जन माई लोगिन के मौत हो गई। और जांजगीर चांपा जिला के चंद्रपुर पुलिस समूह के माई लोगिन मन ले 10 लाख रूपया लेके फाइनेंस कंपनी में राशि जमा नहीं कराये के आरोप में एक जन कर्मचारी ला गिरफ्तार करीन है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। प्रदेश के सबो शासकीय कार्यालय में अब छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र लगाना जरूरी हो ही। सामान्य प्रशासन विभाग हाए बारे में निर्देश जारी कर दे है। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक घाव उपयोग में अवैया प्लास्टिक पर रोक आज ले पूरा देश में लागू हो गये है। अब आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संगे संग छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री रथ यात्रा में लोगन ला शुभकामना दीन। एक रेसंग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार।